हेलो एवरीवन, सो कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। तो आपको पता चल गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं और लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करें और मेरे को डेफिनेशन लिख के बताएं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की और लीनियर पेयर्स की, ठीक है, कि कौन से एंगल्स होते हैं जिनको वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं और कौन से एंगल्स होते हैं जिनको लीनियर पेयर बोलते हैं। मैं समझाती हूँ सिर्फ, लेकिन आप विद डेफिनेशन याद करेंगे और वो मेरे को भेजेंगे लिख के, अंडरस्टूड। सो नाउ फर्स्ट पार्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप इस फिगर को देखिए और बताइए वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं। मैंने बताया था ना, जब दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन दीज एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल्स। अब आप इसे पहले तो ये देखिए कौन सी दो लाइनें स्ट्रेट हैं और कौन सी वो फिर एक दूसरे से वो कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो देखो ये तो आधी है, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये पूरी निकल गई होती तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन होती भी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती। अब ऐसे कोई ऐसे करे तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे, इसमें तो एंगल्स ही दो बन रहे हैं। सो इसकी बात नहीं करेंगे हम। देखो ये दो स्ट्रेट लाइन्स ऐसी हैं जो एक दूसरे को कैंची की तरह क्रॉस ओवर कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले इसको इरेज कर लो और फिर देखो। देखो अब बताओ कौन से ये बन रही है ना, सीजर की तरह, कैंची की तरह। अब बताओ कौन से दो ऑपोजिट एंगल्स हैं। दीज आर ऑपोजिट एंगल्स 1 and 4 एंड एंगल 5 and 2+3 दोनों को ऐड करने के बाद। सो कौन कौन से एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स, कौन से पेयर्स हैं जो ऑपोजिट हैं, एंगल 1 and 4 आर ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। और कौन सी पेयर है बताओ, और कौन सी पेयर है जो वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और बताओ एंगल 5 and 2+3, अगर ये 2+3 इन दोनों को अगर ऐड कर दे हम, एंगल 5 और इस एंगल 2+3, ये दोनों भी तो ऑपोजिट एंगल्स है। इसको मान लिया हम किसी और एंगल का नाम दे दें, अगर इस दोनों को मिलाने के बाद अगर इसका कोई और नाम दे देते हैं, इनके नेम नहीं लिखे हुए वैसे, ये फिगर्स का नेम नहीं लिखा हुआ। सो एंगल 5 and 2+3, अब इनको जोड़, अगर ये नाम लिखा होता तो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ अगर कुछ लिखा होता ये वाला कंप्लीट एंगल। ओके सर, तो सही पेयर तो यही है, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो देन एंगल 5 and 2+3, आप क्यों इसको और नाम दे दो, सपोज दिस इज एज एंगल 6, इन दोनों को मिला के जो एंगल 6 बन रहा है वो 6 है। सो एंगल 5 and 6 आर ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसने फिगर में जो मेंशन किया है 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब लीनियर पेयर बताइए, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, हमें पता क्या था लीनियर पेयर, वो वाले दो एडजेसेंट एंगल्स जो क्या बने हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बने हैं पास पास बिल्कुल, और दो ही बने हैं उस स्ट्रेट लाइन पे। जैसे मैंने ये वाला बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन है और ये इनके बीच से जा रही है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं और ये स्ट्रेट लाइन पे भी बने हैं। ओके तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर। ओके अब आप इसमें बताइए कौन से एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, या फिर हम लीनियर पेयर की एक और डेफिनेशन लेते हैं एज अ डेफिनेशन। द एंगल, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 एंड विच आर मेक ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके क्योंकि 180 तो आपका वैसे तो सम 180 ही होता है, यही बात है। ओके तो अब आप बताइए लीनियर पेयर कौन सी, आप स्ट्रेट लाइन देखिए सबसे पहले, जितनी भी इसमें स्ट्रेट लाइन है देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कौन से दो एंगल्स बने हैं, नो इस पे तो तीन एंगल बने हैं, हमारे पास दो ही होने चाहिए, दो एंगल ही मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे। पेयर की बात कर रहे हैं ना, पेयर क्या होता है, जोड़ा। ओके तो ये तीन एंगल्स हैं, दिस कांट बी लीनियर पेयर। अब आप एक और स्ट्रेट लाइन है, ये वाली तो स्ट्रेट लाइन है ही, ये तो क्या है, रे है। देखो वन एंड पॉइंट है लेकिन अदर एंड पॉइंट नहीं है, तो रे की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ अगर इसके ऊपर यहाँ से कोई इंटरसेक्ट बना होता तो ये हो जाते, लेकिन ये तो यहाँ पे खत्म हो गया तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये वाली स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इस पे देखो कौन से दो लीनियर पेयर बने हैं। अब इसकी बात की थी जब हमने, तो ये नीचे वाले तो थे नहीं, लेकिन ऊपर वाले देखो, ये वाले मैं दबा लेती हूँ। आप ये देखिए कौन से हैं दो एंगल्स, ये ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन पे दो बने हैं और लीनियर पेयर भी है, वन कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। सो कौन कौन से लीनियर पेयर हुए,
एंगल 1 एंड एंगल 5। और बताइए, अब आप इस वाली स्ट्रेट लाइन की बात हो कि दो ही तो स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस वाली स्ट्रेट लाइन को देखिए, अब ये इरेज कर लीजिए, सिर्फ ये वाली स्ट्रेट लाइन देखते हैं। देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ये वाली। मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। अब ध्यान, अब आप स्ट्रेट लाइन के से इधर और उधर देखिए, स्ट्रेट लाइन से इधर तो कितने एंगल्स है, 2, 3, 1। सो ये तो आपके हो नहीं सकते हैं, ये नहीं है, ये तो ऐसे मैं समझा रही थी सिर्फ आपको, ये होता है नहीं। देखिए 2, 1, 2, 3 एंगल्स, दे कांट बी लीनियर पेयर। लेकिन इसके ऊपर देखिए 4 एंड 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे भी है और इनका सम फिर कितना होगा 180। सो दीज आर लीनियर पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 5, दीज आर लीनियर पेयर। और बताइए, और कोई लीनियर पेयर रह रहे हैं? यही दो स्ट्रेट लाइन्स थी जो आपस में क्रॉस ओवर कर रही थी कोई लाइन इनको, ठीक है। जब किसी एक लाइन को और एक और लाइन सेगमेंट को जब कोई क्रॉस करती है ना, स्ट्रेट लाइन्स, किसी स्ट्रेट लाइन को जब दूसरी स्ट्रेट लाइन ही इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, जब बिल्कुल क्रॉस करती है टू पार्ट्स में, उसके बाद उनके ऊपर जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 10 इज कंप्लीटेड नाउ। आप मेरे को इसके डेफिनेशन लिखोगे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1, 2 एंड एडजेसेंट टू एंगल 2। बताना है इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, गिव रीजंस ऑफ दिस। नाउ अब आप बताइए क्यों नहीं है, दीज आर एडजेसेंट, व्हाई दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, कि देयर इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन वन वर्टेक्स इज कॉमन एंड वन आर्म इज ऑल्सो कॉमन। एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। अब इसमें आर्म तो कॉमन है कि ये एक ही आर्म के बीच में बने हैं, लेकिन वर्टेक्स तो कॉमन नहीं है। आर्म तो चलो एक आर्म पे एक ने उधर बनाए एक ने उधर बनाए, लेकिन वर्टेक्स इज नॉट। सो द वर्टेक्स ऑफ एंगल 1, विच इज द रीजन, वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज नॉट कॉमन। ओके, आपको एडजेसेंट एंगल के लिए क्या चाहिए होता है, कि आपकी एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो, और जो नॉन कॉमन आर्क है वो उसके दोनों साइड हो, ठीक है। आपके इधर भी हो सकते हैं, जैसे आपके ये वाला व्हील है, मैं ये बना देती हूँ, ये व्हील है कोई और आपको ऐसे बना रखा है, तो अब एडजेसेंट एंगल्स कौन सा होगा, ये वाला इसके एडजेसेंट होगा, ये कॉमन आर्क है नॉन कॉमन आर्क, तो आपकी दोनों साइड है इस कॉमन आर्क के अलावा, ठीक है। ये वाला एडजेसेंट होगा, देखिए ये कॉमन आर्क है और ये कॉमन वर्टेक्स है जिसपे दोनों एंगल्स बने। ओके, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल, पहले आप लिखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, नॉट एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज नॉट कॉमन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।